वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होगी। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस जैसे मेरे दो तीन दिनों से लगातार तबीयत ख़राब चल रही है। अभी कल नाइट में भी फीवर आ गया था। तो वैसे मेरा नाइट में सरप्राइज़ मुझे मिला था, बर्थडे सरप्राइज। तो आपको बता दूँ कि आज है 11 मार्च और आज मेरा बर्थडे है। तो आज बर्थडे का फुल ब्लॉग आने वाला है, तो आप लोग ऐसे लास्ट तक बने रहना। आज कौन कौन मेहमान आएंगे और कैसी मेरी पार्टी होती है बर्थडे की और कितने सारे विशेज आए हैं, मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी। आप लोग इन तक ब्लॉग में बने रहना। और मैंने स्पेशल गेस्ट को भी इनवाइट किया है और मैं उनसे भी मिलवाऊंगी, जिसे मैंने बहुत ज़्यादा स्पेशली करके बुलाया है। तो गाइस ऐसे कंटिन्यू बने रहना। अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और टाइम हो चुका है 12 बजे। मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, देखते हैं कहाँ तक चलता है। और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। तो आज मेरे यहाँ खाने पर बनाया है, क्या बना है? तहड़ी। मतलब अभी तहड़ी बनी है, शाम को बनेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा काम था तो इसलिए मम्मी ने तहरी बना दी। अभी मेहमान और आना बाकी हैं और शाम तक जैसे ही सारे गेस्ट आते हैं मैं सबसे मिलवाऊंगी। आप लोग ऐसे कंटिन्यू बने रहना। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो लोग नए हों। एंड अभी चलते हैं अंदर। थोड़ा बाहर आए थे हम घर के बाहर और मुझे एक स्पेशल पर्सन गिफ्ट देने आए थे, वो रहा ये गिफ्ट। अभी घर पर चल के दिखाएंगे। अभी भी आएंगे तो मैंने अभी बोल दिया है, अभी मतलब थोड़ा जल्दी में थे तब ये गिफ्ट मुझे देने के। देखो आप लोग, और अभी घर पे जा रहे हैं हम। अभी गेस्ट अभी कोई भी नहीं आया, अभी सारे लोग आने को हैं। अभी घर पे चल के मिलवाते हैं अगर कोई आया होगा तो। तेरा डेकोरेशन का सामान, ये बैलून है, ये रिबन है, ये बर्थडे वाला, ये बर्थडे वाली टैग है मेरा, ये भी बर्थडे का टैग है। और ये रहा मेरा ताज जो मुझे गिफ्ट पे मिला है। और ये रहा पार्टी बम जिसे चलाएंगे दीदी या फिर भैया कोई एक, ये टेप रहे। तो इतना है हमारा आज बर्थडे का सामान डेकोरेशन का। और यहाँ पे होगी डेकोरेशन, इस वाले विंडो पे होगी डेकोरेशन। तो आप लोग बताना क्या सही जगह है। हाँ, तो यहाँ पर डेकोरेशन होगी और अभी डेकोरेशन होने जा रही है। तो हम डेकोरेशन करने के लिए सबसे पहले इसका यूज करेंगे। तो अभी हम डेकोरेशन करेंगे, आपको भी दिखाते जाएंगे। दीदी ये सर पे लगाई है, घूमाई चलो अभी यहां पे लगाएंगे। तो कैलेंडर उतारो। हां कैलेंडर से पहले तो फाइनली गाइस हम सब लोगों ने मिलकर सारे बैलून फुला लिए हैं और जितने भी बच्चे हैं सब जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं कि सारे बैलून जल्दी जल्दी फूल जाएं। देखो कमरे में अभी मैंने इतने फुला लिए और ये सारे फूल चुके हैं और अभी हम इनको ट्रिपल करके पूरा बरामदे में पूरी डेकोरेशन करेंगे। और फाइनली अब सब हो चुका है, बस थोड़ी बहुत मतलब यहाँ पर्दे के पीछे लगाने बाकी हैं जो सामने के लिए अच्छे दिखें, वो लगाने बाकी है। बाकी ये डेकोरेशन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करो जल्दी जल्दी। गाइस बताया उस दिन बहुत सारा काम था तो क्या बताएं। अब मेरी केक वेक सब सेट हो गई, मैं तब तक रेडी हो रही थी तब तक यहाँ का सब कुछ सेट हो गया। गाइस मेरी केक आपको कैसी लग रही है? खाने को तो नहीं मिल सकती है बट देख के आप लोग कमेंट में बताओ कि कैसी लग रही है। अभी थोड़ी देर बाद केक कट होने वाला ही है क्योंकि गाइस मैंने आज पहले आप मेरा लुक देख लीजिए कि मैं कैसी लग रही हूँ। और बर्थडे का मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने रेड सरारा पहन के रखा है और दीदी मेरे अभी बर्थडे की रिबन लगा रही हैं और उसके मैं ताज लगा। गाइस मैंने अपने बर्थडे में कम से कम 40-45 लोगों को इनवाइट किया था बट उसमें से कम 20 लोग ही आए थे, तो इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग भी ख़राब हो गया था उससे पहले। क्योंकि गाइस जब जिस किसी को बुलाओ और वो आए ना तो बहुत ही बुरा लगता है। और मैंने सारा नाश्ता खाना जो कुछ भी था, खाने में भी बहुत सारी डिशेस थी नाश्ते में थी, और वो सब मैंने कम से कम 50 लोगों के लिए बनवाया था और आए तो मतलब ये तो हमारा लॉस हुआ ना इसका कि सारे लोग आते तो अच्छा लगता हमें भी। गाइस मैं इससे मैं ये बर्थडे सेलिब्रेट करने के कम से 2 घंटे पहले बहुत रोई थी। मैं इस टाइम स्माइल कर रही हूँ वो भी सिर्फ अपने पापा की खुशी के लिए, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे लिए ये दिन इतना ज़्यादा स्पेशल बना दिया कि मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। जैसे भी किया बट मेरे पापा मम्मी ने मेरे लिए किया, तो इसलिए मैं इस टाइम खुश हूँ कि वो लोग शामिल हैं। और क्या, जिसे आना था वो आया, जिसे नहीं आना था वो नहीं आया। वैसे अभी इस टाइम चंदन में जो है वो पानी कम था तो इसलिए मेरे लगा नहीं है, अभी पापा लगाएंगे तब भी फिर ऐसे होगा। अभी हम भैया से बोलेंगे इसमें चंदन में पानी थोड़ा डालो तब भी लगेगा। तो अभी थोड़ा सा पानी डलवा के हम चंदन को लगा रहे हैं पापा मेरे। गाइस अगर आप लोगों के भी पापा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते तो मेरे पापा के लिए एक
लाइन या फिर छोटा सा कमेंट जरूर करना। तो फाइनली ये मैं अभी कैंडल मेरी जल रही है और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे घर पर मनाया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और सारे लोग आ चुके हैं। मैं अपने आप क्लैपिंग करने में जुटी पड़ी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इस वजह से। तो आप लोग देख सकते हैं केक कटने में थोड़ी देर बाकी है। आप लोग सब लोग हैप्पी बर्थडे कमेंट जल्दी जल्दी कर दो। और गाइस ये बहुत ही लॉन्ग वाली कैंडल थी, ये काफ़ी टाइम तक सारे लोग मुझसे फोर्स कर रहे थे फूंक दो। तो मैंने जैसे फूंका वो वैसे अपने आप भी बंद हो गए। गाइस मेरे मतलब कमरे की डेकोरेशन बरामदे की डेकोरेशन कैसी लग रही है जल्दी जल्दी बता। अब गाइस उस टाइम मैंने आपको दिखाया था तब लाइट नहीं थी, अब लाइट भी अच्छे से जल रही है। और मैं हर साल अपने पापा के साथ ही केक कट करती हूँ। रेड लगाई थी क्योंकि सारे बैलून फोड़ दिए थे ना, बहुत बुरा लगा था क्योंकि मुझे 4 घंटे लगे थे बैलून फुलाने। और ये रहा मेरे भाई के हाथ है पार्टी बम और इसे भाई फोड़ रहे हैं। मैं कहूँ केक के पीछे फोड़ो वरना सब केक पे ही चला जाए, सबके मुंह में जाए। ये फुटा धाएं लो, पहले मैंने बोल दिया वो फूट गया। ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा था जब ये फीलिंग का कुछ बता नहीं सकती कैसी फीलिंग आ रही थी इस टाइम मुझे। अब भैया को मैं बोले केक कटा, भैया यहाँ से फोड़ हो गए। मैं बोले केक खा के जाओ, तभी ये मेरे सत्यम भैया हैं और ये मुझे केक खिलाने आए और इन्होंने मुझे ये प्यारा सा गिफ्ट दिया। मैं इस गिफ्ट की ओपनिंग करके आपको दिखाती हूँ। मेहमान सब खाना खा रहे हैं और मैं अपनी गिफ्ट की ओपनिंग में लगी हूँ और भैया भी यहीं पास में लेटे हैं। भैया ने अपने कपड़े चेंज करके आराम से लेटे हैं और मैं इस गिफ्ट में यही सोच रही हूँ कि क्या निकलेगा इसमें, क्या निकलेगा। इस बात से बहुत ही परेशान हुई। देखो मेरे डेकोरेशन इतना कुछ बचा है, बाकी सब बैलून। वाह एक छोटा सा टेडी निकला है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं दे देती हूँ इसे किसी स्पेशल पर्सन को, तो वो भी खिलाएंगे इसको। और उसके बाद में मैं नहीं से आपको मिलवाना चाहती थी, आप लोग देख पाया हो तो देख लीजिए। और अभी मैं ये छोटा सा गिफ्ट है ये इसमें दिखाने के लायक नहीं है क्योंकि इसमें ये गिफ्ट हमारे जीजू जी ने दिया था और इस गिफ्ट के अंदर क्या है वो है एक लिप कलर। मैंने आपको बता दिया बस किसी को नहीं बताया। और ये गिफ्ट बहुत ही प्यारा है, आप कमेंट में जल्दी जय श्री गणेश लिख दो क्योंकि इस गिफ्ट में गणेश जी की मूर्ति निकलने वाली है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, लोग पहले नहीं बताते हैं, बोलते हैं इंतज़ार करो। मैं बोले इंतज़ार करो पर पहले ही मैं आपको बता रही हूँ उसमें एक भगवान जी की मूर्ति निकली है। ये हमारे जीजू ने दी थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इस फैमिली में सबको, तो उनके लिए थैंक यू सो मच आप मेरे बर्थडे में आए और भी हमें हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो गाइस अगर आप लोगों को भी मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे से आपको नए नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे क्योंकि मेरा थोड़ी कुछ दिनों के बाद फ़ोन चेंज होने वाला है, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ। गाइस ऐसे ही मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहिए।